जब कोई हमारे आसपास कोई तरक्की करता है या हमारे से आगे बढ़ जाता है तो हमें उन्हें आगे बढ़ता देख के कई बार जलन होती है कि हम लोग पुराने हैं और वो नया है इस व्यापार में और वो हमारे से आगे कैसे बढ़ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों से सलाह लेकर हम अपना काम बदल देते हैं या चेंज कर देते हैं लेकिन फिर भी हम असफल हो जाते हैं। मैं राजदीवान आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक किसान को कुआं खोदना था, कोई 15 से 20 फीट। तो उसने कुआं खोदना शुरू किया, 15 से 20 फीट खोद लिया लेकिन उसे पानी नहीं मिला जो कि उसके घर के बाहर था। तो वह बहुत उदास हो गया। किसी ने सलाह दी कि यहाँ से कुछ दूर पानी हो सकता है, वहाँ खुदवाओ। तो किसान ने वहाँ खुदवाना शुरू कर दिया और वहाँ भी 15-20 फुट कुआं खोद दिया गया लेकिन वहाँ भी उसे पानी नहीं मिला। फिर एक और के कहने पर तीसरी जगह भी कोशिश की गई लेकिन वहाँ भी वही रिजल्ट निकले। तो किसान के पुराने या अनुभवी लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने भी एक जगह बताई, वहाँ भी 15-20 फीट खोदा गया लेकिन वहाँ भी पानी नहीं मिला, यानी पानी कहीं भी नहीं था। फिर संतों से पूछा गया, डॉक्टर से पूछा गया, टीचर से पूछा गया, यानी कोई भी जो गांव में लोग थे उन सभी से सलाह लगी और सब जगह पे 15-15, 20-20 फीट खोद कर चेक किया गया लेकिन वहां भी पानी नहीं मिला। तो वो किसान थक कर हार कर टूट कर बैठ गया कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और मुझे अभी तक पानी नहीं मिला। तो वो अपने घर के बाहर बैठा है, परेशान हैरान। तो उसकी बीवी आकर पूछती है कि मुझे बताओ दिक्कत क्या है, आप क्यों परेशान हो। तो उसने अपनी सभी कहानी सुनाई कि मैंने हर लोगों के कहने पर, हर किसी के कहने पर जगह जगह जाकर कुआं खोदा, सारा दिन लग गया लेकिन मुझे पानी कहीं भी नहीं मिला। तो उसकी बीवी ने कहा कि घर के बाहर जहाँ सबसे पहले खुदवाया था वहाँ और ज़्यादा खुदवाओ। किसान ने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत तो की है तो जहाँ पे मेरा 15 से 20 फुट तक पहले से खुदा हुआ है घर के बाहर, में वहाँ पे और खोदता हूँ। तो किसान ने 15 से 20 फीट, फिर 25 फीट, फिर 35 फीट और फिर 40 फीट तक खोदा तो वहाँ भी उसको पानी मिल गया। तो दोस्तों सिर्फ मेरा यही कहना है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चेंज करो लेकिन प्रयास करना कभी मत छोड़ो। सलाह सभी से लो पर सोच समझ कर अपने मन की करो, पूरी मेहनत से करो, जो भी काम करो दिन रात एक कर दो सफलता पाने के लिए। जब तक नहीं मिलती लगे रहो और एक दिन आप सफल हो जाओगे। मैं राजधीमान, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।